हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 एंड मैंने अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो मैं आ चुकी हूँ तेलंगाना में, अपने गाँव में। तो आप देख सकते हो सुबह के 8 बजे कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। एंड इवन बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू भी आप चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ग्रीनी नहीं इस टाइम खेतों में, जो है ना चावल हो गया या फिर जैसे धान वगैरह है ना, तो वो लगाए हुए हैं, तो काफ़ी ग्रीन ग्रीन है। तो मैं ट्राई करूँगी कि खेतों में जाके आपको खेत भी दिखा सकूँ कि अभी खेतों में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ना जो कॉटन है ना, वो कॉटन की भी खेती की जाती है हमारे गाँव में, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। अभी तो मोस्टली खेती जो हो गई है, बट थोड़ा बहुत रहेगा उसमें, तो मैं आपको वो शो करूँगी। एंड चावल की खेती भी यहाँ पे लगाई हुई है, तो वो भी काफ़ी कम है, बट मैं आपको वो भी ट्राई करूँगी दिखाने का। एंड देख सकते हो हमारे घर के बगल में पूरा खेत खेत है, तो मैं आपको वो सीन दिखाती हूँ। गाइस देख सकते हो, ये जो हमारा घर है ना, घर के मतलब बिल्कुल पीछे की ओर है ना, बगल में जैसे खेती है, यहाँ पे बहुत सारे खेत है। आप देख सकते हो जब खेती बड़ी हरी भरी होती है ना, तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। बट अभी भी खेती है कहीं कहीं पर, मैं आपको वो भी दिखाने का ट्राई करूँगी। एंड गाइस मेरे पीछे ना यहाँ पर झंडा तिरंगा फहरा रहे हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो मे बी, एक्चुअली मुझे भी क्लियर नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर तिरंगा फैलाया जा रहा है मॉर्निंग में। आज जैसे कि 26 जनवरी है। एंड ये देख सकते हो, ये पहाड़ है ऊपर, ये पानी की टंकी की ओर से पूरा पहाड़ी एरिया है वहाँ पे। एंड यहाँ पे अभी बहुत सारे नए नए घर जो है अभी जस्ट उनके कंस्ट्रक्शन के काम पूरे हुए हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे घरों के इवन कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और भी अच्छे अच्छे नज़ारे मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगी। घर का छत है एंड यहाँ पे आपको खेत दिख रहा है, तो बहुत ही प्यारा व्यू है। आप देख सकते हो जब यहाँ पे खेत हरे भरे होता है ना, तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत अभी कम घर है यहाँ पे एंड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे मे बी ये सारे खेत जो है कवर हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे घरों में, ठीक है। तो यहाँ ये देख सकते हो, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर पहाड़ है। एंड ये अभी घर एक न्यू मतलब अभी न्यू कंस्ट्रक्शन इसका डन हुआ है, एंड इसका भी कल गृह प्रवेश है, इनका भी एंड हमारा भी कल गृह प्रवेश है। तो मैं आपको मेरे भी घर का, हमारे भी घर का एक छोटा सा होम टूर ज़रूर दूंगी। मे बी पॉसिबल नहीं होगा इस व्लॉग में, बट नेक्स्ट व्लॉग में मतलब श्योर मैं आपको एक छोटा सा मेरे घर का गृह प्रवेश का व्लॉग या फिर होम टूर, जो हमारा विलेज होम टूर है ना, तो उसका एक व्लॉग ज़रूर बना के अपलोड करूँगी। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर भी इस घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गाइस अभी ना गांव में बहुत सारे लोग हैं ना, जो मतलब गांव छोड़कर जैसे ना नए थोड़ा सा गाँव के बाहर लाइक सिटी में जाना पसंद कर रहे, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द घर जो है कंस्ट्रक्ट हो रहा है न्यू हाउस। तो देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू है। मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग में ना थोड़ा सा और भी अच्छा से एक्सप्लोर करूँ खेतों में या फिर मेरे गांव का जो भी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, मैं आपको दिखाऊँ ताकि आपको भी पता चले। सो गाइज, मैं अभी आपको मेरे घर का एक छोटा सा टूर देने वाली हूँ जहाँ पे हम लोग अभी फ़िलहाल रह रहे हैं। वैसे तो कल हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं हमारे नए घर में, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आपको यहाँ का भी एक छोटा सा टूर दे दूँ। मतलब गांव के घर जो है ना काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी देखो जैसे आंगन वगैरह भी काफ़ी बड़ा होता है कि गेस्ट वगैरह आए तो हम लोग ईजिली बाहर सो सकते हैं, कुक कर सकते हैं, बच्चे भी मतलब आंगन में ना खेल सकते हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ के आंगन होते हैं। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा टूर देती हूँ, तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज़ ये है हमारे घर के आसपास का व्यू, जैसे कि मैंने आपको छत पे से भी दिखाया था। यहाँ पे ना फल जो होता है ना लाइक पेड़ पौधों की नर्सरी की जाती है ना, मतलब वैसे गांव में पेड़ पौधे बांटे जाते हैं, तो यहाँ पे हर घर में आपको अनार का पौधा या पेड़ू का पौधा या फिर ऐसे बहुत सारे लाइक फ्रूट्स के जो है ना वो आपको प्लांट्स दिख जाएंगे। तो ये हमारा घर का मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा दूर से दिखाने का आपको, वेट। सो गाइज़ ये है हमारा घर, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेन एंट्रेंस, तो अभी हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। एंड ये जो बगल वाला घर है ना, ये अभी जस्ट न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो कल इनका भी गृह प्रवेश है। तो चलिए अभी मैं अपने घर का एक छोटा सा टूर स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग अभी एंट्रेंस पे हैं, तो अभी हम लोग गेट खोलकर अंदर जाएंगे। एंड देख सकते हो कि यहाँ पर कितना स्पेस है आंगन में कि ईजिली बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले गेट को लॉक कर लेते हैं। सो गाइस लॉक कर दिया। तो देख सकते हो आंगन में यहाँ पे जो कल कपड़े सूखे हुए थे ना लाइक धोके डाले थे, वो तो कपड़े सूखे नहीं है, तो हम लोग ने अभी वो वापस से धूप में यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया है। एंड यहाँ पे कल रात को ना बच्चों ने ठंड लग रही थी, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ना थोड़ा सा सेकोटी के लिए आग लगाया हुआ था।
एंड अभी यहाँ पे पानी आया था तो जो उस पानी का काम हुआ था तो इसकी वजह से यहाँ पे पूरा पानी पानी पड़ा हुआ है। एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग के टाइम में मोस्टली काम में सब बिजी रहते हैं। तो ये गाइस यहाँ पे घर का मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे विंडो है जिसपे जाली लगी हुई है एंड ये चेयर्स यहाँ पे रखे हुए ताकि कोई भी आए तो बाहर मतलब बैठ सके, रिलैक्स कर सके। एंड देख सकते हैं यहाँ पे मतलब काम करने के लिए छोटा सा बेसिन टाइप में है मोरी। एंड यहाँ पे गाइस अगेन देखो तुलसी का पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है एंड इसमें फल भी लगते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो ये पेरू का पेड़ है एंड इसके बगल में आप देख सकते हो कितना बड़ा ना करी लीव का पेड़ है, यानी कड़ी पत्ते का पेड़ है, काफ़ी बड़ा है। इसको फिलहाल पानी नहीं दे रहा उसकी वजह से ये ख़राब हो चुका है, इसके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी लग चुकी है। एंड गाइस इवन है ना यहाँ पे देख सकते हो ये है गुलाब का फूल है, इसमें अभी तो गुलाब नहीं लगे हुए हैं बट यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें एक बहुत ही प्यारा सा गुलाब का फूल खिला हुआ है। ओके तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे आपको पेड़ पौधे काफ़ी मिल जाएंगे, चाहे वो फलों के हो चाहे वो फूलों के हो। तो यहाँ पे अगेन एक पेरू का पेड़ है, अभी तो इसमें कोई पेरू लगा नहीं हुआ है, मुझे तो कोई पेरू दिख नहीं रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई पेरू नहीं है। बट हाँ अगेन यहाँ पे देखो गुलाब के पेड़ में ना और यहाँ पे दो गुलाब है यहाँ पे, तो पेड़ तो काफ़ी बड़े बड़े तो इसकी वजह से इसमें फूल्स तो कंटिन्यू मतलब होते ही हैं। एंड अगेन गाइस यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट हमारा अनार का प्लांट है जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसमें इवन अनार भी लगे हुए हैं, तो मैं आपको ट्राई करूँगी दिखाने का, आपको मे बी रेड रेड दिख रहा होगा इसमें फूल लगा हुआ है, एक दो अनार जो है गाइस अभी आ रहे हैं इसमें। एंड गाइस ये मोगरे का जो मोगरे का पेड़ है ना आप उसको देख लो, इसमें कितने सारे फूल्स लगे हुए हैं, काफ़ी फूल। एंड यहाँ पे ढोल बज रहा था, चलिए ट्राई करते हैं देखने का कि क्या है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इनका गृह प्रवेश था, तो ये अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे पूजा चल रहा है। एंड अब मैं जैसे कि दिखा रही थी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी मोगरे खिले हुए, काफ़ी बड़ा पौधा है यहाँ पे, मतलब इसमें काफ़ी आपको फूल जो है मिल जाएंगे इन अ डे। एंड ये बैक साइड से भी आप जा सकते हो बट ठीक है फिलहाल अभी हम लोग नहीं जाएंगे बैक साइड से, अभी हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। गाइस यहाँ से ऊपर जा सकते हैं जैसे कि देख सकते हो यहाँ से, जैसे मैंने आपको छत का व्यू दिखाया था वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी घर में चलते हैं, यहाँ पे शोर तो काफ़ी हो रहा है, फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा मेरी वॉइस में। तो ये है गाइस ये हमारा फिलहाल हॉल का व्यू है, यहाँ से भी डोर है जो कि हम लोग ने बंद रखा हुआ है, ये विंडो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे भी चेयर डाल के रखा है। एंड गाइस कल है ना पूजा है तो यहाँ पे ये फ्लावर्स जो है मिलते नहीं है, हम लोग ने स्पेशली बॉम्बे से ये फ्लावर्स लाया था तो इसको भी यहाँ पे फिलहाल सूखने के लिए रखा है ताकि ये ख़राब ना हो, हम लोग इसको कल यूज़ कर सकें। एंड यहाँ पे बेड डाला है, यहाँ पे भी विंडो है जो कि भी फिलहाल बंद है। एंड यहाँ से गाइस किचन है, फिलहाल तो ये किचन बंद है बट जैसे किचन ओपन होगा तो मैं आपको एक किचन का भी छोटा सा टूर ज़रूर दूँगी, तो बने रहिए मैं किचन का टूर पेंडिंग है। सो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं खेतों में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे शाम का वक्त है एंड हम लोग अभी चावल के खेत में खड़े हैं एंड इसके बगल में भी चावल की खेत है एंड यहाँ पे कुछ जंगली पौधे हैं। एंड इस खेत के ठीक बगल में ना आप देख सकते हो यहाँ पे ज्वारी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये ज्वारी या बाजरी से क्या बोलते हैं ना, तो इसमें भी दाने लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छे ही लग रहे थे ये खेत हरे भरे। तो अभी चलिए हम लोग आगे चलते हैं इन खेतों के बीच से होते हुए इनके आनंद लेते हुए, तो अभी और भी थोड़ा अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर कराने का ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे किस किस चीज़ों के लिए खेती हो रही है इस वक्त। सो गाइस देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है ना ये खेत, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यू नो हम लोग मुंबई में रहते हैं तो ऐसे नज़ारे हमें देखने नहीं मिलते, जब भी गांव में विज़िट करते हैं ना तो तभी ये सारी चीज़ें देख के ना बहुत ही अच्छा फील होता है। सो गाइज़ अभी हम लोग आ चुके हैं टमाटर के खेत में, तो यहाँ पे बहुत सारे टमाटर के लाइक ना पौधों में टमाटर लगे हुए थे बट टमाटर काफ़ी कच्चे थे। एंड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो राइस की खेती आपको दिख रही है, चावल की खेती, शाम का वक्त हो रहा है, सूरज ढल रहा है तो काफ़ी अच्छा व्यू था। एंड ना गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे जो टमाटर थे ना वो पके हुए थे एंड यहाँ पे बिखरे पड़े थे, तो मैंने जब कज़िन से पूछा मेरे तो उसने कहा कि उन टमाटरों को है ना निकाल कर फेंका गया था बिकॉज़ वो टमाटर साइज़ में काफ़ी छोटे थे एंड मार्केट में जो है ना उन टमाटरों के दाम नहीं मिलते एंड इवन गाँव में भी लोग छोटे टमाटर ख़रीदते नहीं है, तो इसीलिए उन टमाटरों को निकाल कर फेंक दिया गया था। एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं बट वो अभी कच्चे हैं, वो अभी पके नहीं है तो इन्हें कुछ टाइम लगेगा। तो हमने टमाटर भी टेस्ट किए जो कि काफ़ी अच्छे थे टेस्ट में, यू नो नेचुरल चीज़ों का, ताज़े चीज़ों का खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसी तरह आगे की ओर।
सो अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं कापूस के खेत में, यानी कॉटन के खेत में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये खेत जो है ऑलमोस्ट सूख चुका है। यहाँ से 2 से 3 बार जो है कापूस निकाल लिया गया है। एंड अभी भी यहाँ पे देख सकते हो ना, इन फूलों में कुछ कुछ कॉटन जो है स्टिल बचा हुआ है, बिकॉज इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया क्योंकि इसमें कापूस ज़्यादा था नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली ये होता कैसा है। तो ये जो फूल है ना, ये फूल सूखता है, सूखने के बाद जो इसमें कॉटन होता है, इसमें भी देख सकते हो इसमें थोड़े थोड़े जो है कॉटन अभी भी पेंडिंग है, वो छोड़ दिया गया है ऐसे। एंड एक और बात, जब भी कापूस की खेती मतलब कापूस निकाला जाता है ना, तो उसमें जो छोटी कन्याएं होती है या फिर जो एजेड औरतें होती है ना, तो वही लोगों को बुलाया जाता है कॉटन के खेत से कॉटन निकालने के लिए। तो देख सकते हो कितना अच्छा वाइट वाइट कॉटन यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो दोस्तों, वक्त आ चुका है इस व्लॉग को यही एंड करने का। एंड अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड हाँ, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। सो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।